नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। भारतीय कुश्ती महासंघ के खिलाफ एक बार फिर से पहलवानों ने मोर्चा खोल दिया है और धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है। आपको बता दें कि 2 महीने पहले ही ऐसी तस्वीरें सामने आई थी जब जंतर मंतर पर तमाम बड़े पहलवानों ने धरना प्रदर्शन किया और भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोला। उसके बाद तमाम तरीके की बयानबाजियां हुई और लगातार बीजेपी सरकार ने इस पर नजरें भी बनाई। अनुराग ठाकुर ने रात में मीटिंग बुलाई थी और उसके बाद यह तय किया गया था कि बृजभूषण शरण सिंह को कुश्ती महासंघ से तब तक अलग रखा जाएगा जब तक इसकी जांच चलेगी। हालांकि अब पहलवानों का आरोप है कि 2 महीने में कोई भी अभी प्रगति इस मामले में नहीं देखी गई है और किसी भी तरीके की चीजें आगे नहीं बढ़ रही हैं। इसी वजह से अब पहलवानों ने एक बार फिर से मोर्चा खोल दिया है। आपको बता दें कि बिनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया सब एक बार फिर से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और दिल्ली के जंतर मंतर पर वो पहुंच चुके हैं। उन्होंने जनवरी में भी कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन किया था। उनकी शिकायत पर एक समिति का गठन भी किया गया, लेकिन पहलवानों को उसकी रिपोर्ट का इंतजार है। पहलवानों का प्रदर्शन अब फिर से शुरू हुआ है और इसके बाद ही अब सरकार की टेंशन भी बढ़ गई है। पहलवानों का कहना है कि कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष के खिलाफ यौन शोषण के आरोपों पर निगरानी समिति की जांच की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए और बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्राथमिकी FIR दर्ज की जानी चाहिए। इससे पहले जनवरी में पहलवान धरने पर बैठे थे और उन्होंने भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष के खिलाफ यौन शोषण के आरोप लगाए थे, जिन्हें बृजभूषण शरण सिंह ने निराधार बताया था। पहलवानों के धरने के बीच दिल्ली पुलिस सक्रिय हो चुकी है और उसने जिस तरीके से बयान जारी किया है, उसके बाद दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया है कि भारतीय कुश्ती संघ के प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों के विरोध के बीच दिल्ली पुलिस ने उनकी शिकायत की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने खेल मंत्रालय द्वारा गठित जांच समिति से रिपोर्ट मांग ली है। इसके अलावा जंतर मंतर पर धरने पर बैठे पहलवानों के बयान भी आ रहे हैं। बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट सब एक बार फिर से बृजभूषण शरण सिंह पर बड़े आरोप लगा रहे हैं। साथ ही जो रिपोर्ट वो मांग रहे हैं उसे सार्वजनिक करने के लिए कह रहे हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि आगे सरकार क्या कुछ कदम उठाती है और पहलवानों की बात कब सुनी जाती है और इसके बाद बृजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें कितनी बढ़ती हैं। 2 दिन पहले CP पुलिस थाने में कंप्लेंट दी थी और 2 दिन हो गए हैं, अभी तक FIR दर्ज नहीं की गई है। हमारी 7 लड़कियों ने कंप्लेंट की थी, जिसमें से एक लड़की माइनर है, पॉक्सो केस बनता है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई, ना FIR दर्ज हुई। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि जल्दी से जल्दी जो FIR हो और अक्यूज्ड को जो है वो जो जेन्युइन सजा है वो मिले। ये मामला क्या था FIR का और किसके खिलाफ था? सेक्सुअल हैरेसमेंट के का मामला था और बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ था। जो कमेटी की रिपोर्ट वगैरह थी वो भी मिली? 2.5 महीने हो गए, 2.5 महीने से ऊपर ही हो गए हमें वेट करते करते, और हमें पूरा यकीन था कि सरकार हमारा साथ देगी, लेकिन 2.5 महीने हो गए, रिपोर्ट सबमिट हुई है नहीं हुई है, उसमें क्या था क्या नहीं था अभी तक हमारे आगे नहीं आया है। और अभी थक हार के हम वापस आए हैं कि हमें बता दिया जाए, क्योंकि 2.5 महीने के बाद सब लोग अभी यही सोचने लगे हैं कि हम जो बैठे थे हम झूठे थे, हमारी कंप्लेंट झूठी थी, जो कि हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं रहा, क्योंकि हमेशा सच्चाई के साथ जीवन जिया है, सच्चाई के साथ कुश्ती की है, लेकिन अभी जगह जगह जाते हैं तो लोग हमें झूठ ऐसा दिखाते हैं कि झूठी कंप्लेंट थी तुम्हारी, लेकिन ऐसा नहीं है, सच्चाई की लड़ाई लड़ी है और हम उम्मीद करते हैं कि हम सच के उसमें और जरूर जीतेंगे। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस के उच्च अधिकारी कुछ रिप्लाई दे रहे हैं आपको? उनका ये था कि आप मंडे हमसे बात कीजिएगा, लेकिन ऑलरेडी दो दिन हो गए हैं और बहुत सेंसिटिव मामला है, डिले कर रहे हैं। बजरंग से संपर्क करने की कोशिश की, मंत्रालय की तरफ से आपने संपर्क करने की कोशिश की, क्योंकि 2.5 महीना हो गया, आप लंबा समय भी तब भी बैठे? नहीं, हमने नहीं की, हमने सिर्फ वेट किया था कि रिपोर्ट पब्लिक हो और सबके सामने आए कि सरकार की क्या रिपोर्ट हुई है, जो कमेटी ने हमारे बयान सुने, लड़कियों के बयान सुने, तो क्या सबमिट हुआ है वो सामने आना चाहिए, लेकिन वो नहीं आया। जब फेडरेशन पूरा नेशनल भी करवा रहा है, सारी चीज़ें वो रन कर रहा है, खुद उनका ऑफिस खुल रहा है, तो खिलाड़ियों की कहाँ सुनी जा रही है? ऐसी तो कोई बात है नहीं, तो इसका मतलब हम झूठे बैठे थे यहाँ पे। अभी FIR केस के लिए हमने कंप्लेंट डाल दी है, FIR हो जाएगी तो अपने आप ही पता लग जाएगा कि भाई खिलाड़ी झूठ बोल रहे थे या सच बोल रहे थे। पहले बोल रहे थे कि आप FIR नहीं कर रहे, अभी खिलाड़ियों ने FIR के लिए भी 7 लड़कियों ने जब FIR कर दी है, उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं हो रहा है।
कि हमारी लाइफ, हमारा गेम, हमारा परिवार सब कुछ दांव पे लगा के हम यहाँ पे आए हैं। आपको क्या लगा? तीन महीने से हम इतने मेंटल टॉर्चर से गुजर रहे हैं सिर्फ एक इसमें कि हमें इंसाफ मिले हम खिलाड़ियों को, और ये महिला खिलाड़ियों की सम्मान की बात है। हम इंटरनेशनल लेवल पे ओलंपिक में मेडल लाती हैं हमारी लड़कियाँ, कोई ऐसे नहीं। अगर हम ही सुरक्षित नहीं हैं इस देश में तो बाकी लड़कियों के भविष्य का या हम किसके बारे में क्या सोच सकते हैं? क्या कोई पॉलिटिकल प्रेशर पुलिस पर है ऐसा लग रहा है आपको? देखिए आपको भी पता है कि जिसके खिलाफ में हम लड़ रहे हैं वो कितने स्ट्रोंग हैं। हमें नहीं पता उनको बचाने के लिए कौन लोग उनका साथ दे रहे हैं, कौन नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम देश की जनता से न्याय मांगने आए हैं, देश के उच्च न्यायालय से हम न्याय मांगने आए हैं कि हमें न्याय दिया जाए। जंतर मंतर पे क्या कंटिन्यूटी में रहेगा आप धरना आपका? हम इधर ही सोएंगे जी, इधर ही खाएंगे, जितना हो सकता है हम इधर ही रहेंगे जब तक न्याय नहीं मिलेगा। आज आप लोग अनुराग ठाकुर जिसे आपने समय मांगा था मिलने का, वो नहीं मिला क्या, इसलिए आज आप लोग? तीन महीने से हम लोग कॉन्टेक्ट करने की भी कोशिश कर रहे हैं, ना तो कमेटी के लोग हमें कोई जवाब दे रहे हैं, ना खेल मंत्रालय से हमें कोई भी जवाब मिला है, हमारे फोन भी नहीं उठाए जाते हैं।